हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी पार्ट में। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि केस्टर एनएफ जो स्किन क्रीम है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आपको उसका प्रॉपर यूज़ पता नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट की जगह साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, और ये स्किन क्रीम है तो हमारी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हमको पहले इसका प्रॉपर यूज़ पता होना चाहिए एंड उसके बाद में ही हमको इसको यूज़ करना है। सो देखिए, ये जो केस्टर एनएफ क्रीम है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोबिटासोल प्रोपिनेट क्रीम, इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से बनी है। सो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे गाइस, जो भी आप अफेक्टेड एरिया पर इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से वॉश करना है। आपके हैंड्स अच्छे से वॉश होने चाहिए एंड ड्राई होने चाहिए। आपको गीले हाथ से या गीले एरिया पर क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। आपके हैंड्स भी अच्छे से क्लीन होने चाहिए एंड जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर भी आपको अच्छे से क्लीन करके और सुखा लेना है। उसके बाद में बिल्कुल पतली लेयर आपको इस क्रीम की लगानी है। देखिए, इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर है वो क्रीमी है एंड आपको बिल्कुल पतली लेयर आपको अप्लाई करनी है। देखिए, जब भी आप क्रीम खरीदते हैं, हमेशा आपको यहाँ से देखना है कि क्रीम आपकी सील पैक है कि नहीं है, है ना। तो आपने बिल्कुल पतली लेयर वहाँ पर अप्लाई करनी है एंड आपको हमेशा ये क्रीम्स मोस्टली नाइट में यूज़ करनी चाहिए। बाकी जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, वैसे आपको यूज़ करनी चाहिए। हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आपको कोई भी स्किन क्रीम यूज़ करनी चाहिए। बाकी आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए, ठीक है। और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो नाइट में अप्लाई करें। जहाँ भी अफेक्टेड एरिया पर आप ये दवा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ओपन एरिया, देखिए हमारे माउथ, ईयर, नोज़, जो भी हमारा ओपन एरिया है, वहाँ पर ये क्रीम हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। ओनली एक्सटर्नल यूज़ के लिए है ये क्रीम। सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके जैसे मुँह में चली गई है या नाक कान, तो आपको प्रॉपर वॉश कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपको तब की तब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप एक क्रीम यूज़ करते हैं, तो आपको पहले पैच टेस्ट कर लेना है। तो पैच टेस्ट के लिए आप कलाई पर कर सकते हैं, फिर अपने नेक वाले एरिया पर भी कर सकते हैं। तो जब पैच टेस्ट में आपको लगता है कि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप इसको यूज़ करेंगे। साइड इफ़ेक्ट में देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको देखिए मिल सकता है कि आपकी स्किन पर रेड दाने हो गए हैं, स्किन रेड हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, थोड़ी बर्न सी फील हो रही है या स्किन पीलिंग हो रही है, मींस कि जैसे स्किन ड्राई होकर उतरने लग जाती है। तो इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होती है, खुजली हो रही है, आपकी स्किन को इरिटेशन हो रही है, इट मींस कि आपको ये क्रीम सूट नहीं करनी है। देन आपको इसका यूज़ बंद कर देना है। और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक फिर भी नज़र आते हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बाकी वैसे खुद से ठीक हो जाते हैं। ओके, सो प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे, तो देखिए आपको इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, बट मैं तो यही होंगी कि हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट से ही क्रीम यूज़ करें, अदरवाइज ना यूज़ करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।